नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव थ्री। देखिए, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। बिहार सरकार ने 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है, स्थानांतरण और प्रस्थापन किया है, प्रमोशन भी मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में चुनावी तैयारियों को देखते हुए चुनावी कसरत शुरू होने वाली, इसके पहले नीतीश कुमार की सरकार ने 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया, प्रस्थापन किया, प्रोन्नति दी। तो देखिए, आरएस भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, अभी अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी बीएमपी थे, अब इन्हें प्रोन्नति देकर डीजी बीएमपी बनाया गया है, मतलब डायरेक्टर जनरल बिहार मिलिट्री पुलिस। याद रखिए, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं, लेकिन आरएस भट्टी जो बेहद कड़क अधिकारी माने जाते हैं, सीबीआई में भी रह चुके हैं, उन्हें भी अब डीजी के रैंक में प्रोन्नति मिल गई है। तो आरएस भट्टी डायरेक्टर जनरल बिहार मिलिट्री पुलिस बन गए हैं। श्रीमती आर मलार बीजी एडीजी की रैंक की प्राधिकारी हैं, प्रस्थापन की प्रतीक्षा में थी, 1995 बैच की आईपीएस प्राधिकारी हैं श्रीमती आर मलार बीजी, अब अपर पुलिस महानिदेशक ट्रेनिंग बनाई गई है, मतलब एडीजी ट्रेनिंग। श्री एम आर नायक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, आईजी रैंक में हैं, प्रस्थापन की प्रतीक्षा में थे, अब आईजी रेलवे बनाए गए हैं। श्रीमती मीनू कुमारी, देखिए, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं 2010 बैच की, अभी एसपी खगड़िया थी, इनका तबादला कर दिया गया है एसपी जहानाबाद के तौर पर। तो खगड़िया को नया एसपी मिला है, जहानाबाद को नया एसपी मिला है। श्रीमती धूरत साइली सामलाराम पुलिस अधीक्षक अररिया, एसपी अररिया, इन्हें अब एसपी सारण बना दिया गया है। देखिए, श्रीमती धूरत साइली सामलाराम वे ही आईपीएस अधिकारी हैं जिनके साथ अररिया के भाजपा के सांसद प्रदीप सिंह का विवाद चल रहा था, अब इनका तबादला हो गया है, ये अब सारण संभालेंगी, छपरा की एसपी बनाई गई हैं। श्री दीपक बर्णवाल 2010 बैच के आईपीएस अफसर हैं, अभी औरंगाबाद के एसपी थे, इन्हें अब पुलिस अधीक्षक ए विशेष शाखा, मतलब एसपी ए स्पेशल ब्रांच में तैनात किया गया है। श्री सुधीर कुमार पोरिका, ये भी 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, ये अभी एसटीएफ में एसपी थे, इन्हें अब औरंगाबाद का नया एसपी बनाया गया है। प्रमोद कुमार मंडल 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, अभी समादेष्टा मतलब कमांडेंट थे बीएमपी 3 बोधगया में, अब ये जमुई के नए एसपी बनाए गए हैं, जमुई के नए एसपी, मतलब समझ लीजिए चिराग पासवान के इलाके के। श्री हरिकिशोर राय भारतीय पुलिस सेवा के 2011 बैच के प्राधिकारी हैं, अभी छपरा सारण के एसपी थे, अब इन्हें भोजपुर की कमान सौंपी गई है, भोजपुर के नए एसपी बने हैं। डॉक्टर इनामुल हक मगनू 2012 बैच के आईपीएस प्राधिकारी हैं, मूल रूप से जम्मू कश्मीर कैडर के हैं, बिहार में आए हैं, ये अभी जमुई के एसपी थे, अब इन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर बिहार पुलिस अकादमी बनाया गया है जो राजगीर में है। तो मतलब जमुई के मौजूदा एसपी अब बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के असिस्टेंट डायरेक्टर बनाए गए हैं। श्री राजीव रंजन टू, ये अभी बघा के एसपी हैं, इन्हें अब पुलिस अधीक्षक एसपी एसटीएफ बनाया गया है, स्पेशल टास्क फोर्स। श्री सुशील कुमार जो अभी भोजपुर के एसपी थे, उन्हें अब कमांडेंट बीएमपी 3 बोधगया बनाया गया है, मतलब भोजपुर के मौजूदा एसपी सुशील कुमार अब बिहार सैन्य पुलिस 3 बोधगया के समादेष्टा बनाए गए हैं। श्री गौरव मंगला अभी वैशाली के एसपी हैं, इन्हें अब पुलिस अधीक्षक एसपी राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो बिहार पटना में प्रस्थापित किया गया है। श्री मनीष भारतीय पुलिस सेवा के प्राधिकारी हैं, अभी जहानाबाद के एसपी हैं, अब ये वैशाली के नए एसपी होंगे। तो जहानाबाद के मौजूदा एसपी मनीष को वैशाली का नया एसपी बनाया गया है। श्री हृदयकांत 2015 बैच के आईपीएस प्राधिकारी हैं, अभी अनुमंडल पुलिस प्राधिकारी मतलब एसडीपीओ सासाराम थे, अब इन्हें अपने ही वेतनमान में अररिया का नया एसपी बनाया गया है। श्री अमितेश कुमार 2016 बैच के आईपीएस प्राधिकारी हैं, अभी एएसपी मुजफ्फरपुर, एएसपी पूर्वी मुजफ्फरपुर के तौर पर प्रस्थापित थे, अब इन्हें अपने ही वेतनमान में खगड़िया का नया एसपी बनाया गया है। श्री किरण कुमार जाधव, किरण कुमार गोरख जाधव,
ये भी 2016 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, अभी पटना में एसडीपीओ थे, इन्हें बगहा का एसपी बनाया गया है अपने ही वेतनमान में। तो इस तरीके से बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने 17 आईपीएस पदाधिकारियों का स्थानांतरण, प्रस्थापन, प्रोन्नति का फैसला किया है। आप बने रहिए लाइव स्ट्रीम के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।